आप ये तो जानते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर की तरह लिया जा सकता है एंड बिजनेस की तरह चलाया जा सकता है, बट आपको ये भी पता है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे स्किल जो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होते हैं बट एक लूजर ट्रेडर के पास नहीं होते, जिसका इमोशन कंट्रोल में नहीं होता, उसके पास ये स्किल्स नहीं होते। तो क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम पहले 5 स्किल की बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में अगले 5 स्किल की बात करेंगे। इसलिए मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। पहली स्किल जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है वो होती है ट्रेड लाइक अ रोबोट। रोबोट आपने देखा होगा, एक इंसान होता है जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग फिट कर देता है पूरी की पूरी, और रोबोट बार बार वही काम करता है, यानी कि बिना डेविएट हुए वो बार बार वही काम करता है। मान लो अगर एक रोबोट है, उसने यहाँ पर ट्रेड लिया, उसको टारगेट यहाँ बुक करना, तो वो यहीं बुक करेगा ना कि यहाँ बुक करेगा। अगर उसको SL यहाँ बुक करना है तो वो यहीं बुक करेगा ना कि नीचे और गिरने देगा। बट इंसान क्या करेगा, टारगेट यहीं बुक कर लेगा, SL को यहाँ बुक करेगा, यानी कि लॉस बड़ा ले लेगा। तो ट्रेड लाइक अ रोबोट, ओके। और सेकंड स्किल जो होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास वो होता है गाइस, ऑलवेज मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। आपने देखा होगा यार, एक बात बताओ, आज तक लाइफ में हमने कितनी सारी मिस्टेक करी है, की है कि नहीं करी है, क्या सारी मिस्टेक्स हमें याद हैं आज तक? नहीं, जो बड़ी मिस्टेक है वो याद है, बट ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हम डेली मिस्टेक करते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, इसको लिख लेंगे तो। बट अगर आप लिख लोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगी वो मिस्टेक, और आई गारंटी यू आप उसको अपने आप ऑटोमेटिकली अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, आपका एफर्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे ना तो आप एक अकाउंटेबल हो जाओगे, और आपको याद भी रहेगा यार कि कौन सा पैटर्न कल के दिन काम किया था, कौन सा पैटर्न इस हफ्ते किया है, कौन सा पैटर्न इस महीने में काम किया, और कौन सा पैटर्न बार बार हमें लॉस दे रहा है। जब आपको ये ध्यान रहेगा ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और आप उन पैटर्न्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे जो आपको कंसिस्टेंटली लॉस दे रहे हैं, और उन पैटर्न को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे जो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। इसलिए एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड जो स्किल होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास, ऑलवेज टेक योर स्टॉप लॉस एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई देखो, कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अगर उसकी दाल मखनी ख़राब हो जाती है तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है क्या? वो ध्यान रखता है कि यार चलो अगली बार ख़राब ना हो, बट उसको इंक्लूड कर लेता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक रेस्टोरेंट है, उसके पास अपना जो है दुकान नहीं है, यानी कि अपनी जगह नहीं है, किराया तो देता है ना, तो वैसे ही स्टॉप लॉस को समझ लो कि किराया दे रहे हो तुम, इस चीज़ को समझे, यानी कि स्टॉप लॉस तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। स्टॉप लॉस जा भी रहा है तो क्या दिक्कत है, उसके बदले पैसा भी तो आ रहा है ना, जब आप जीत रहे हो तो अच्छा जीत रहे हो, लॉस कर रहे हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हो, यानी कि आप रेंट दे रहे हो जगह का, और जब आप दाल मखनी बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज टेक स्टॉप लॉस एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। देखो लास्ट, डोंट ओवर ट्रेड, कभी भी भाई ओवर ट्रेड मत करो। गधे को देखा है, वो बहुत काम करता है और सोचता भाई बहुत मज़ा आया, इतना थका हुआ रहता है 24 घंटे ओवर ट्रेड करने के बाद, और ज़िंदगी भर वही काम करता रहता है, कभी भी ग्रोथ नहीं दिखती है उसकी ज़िंदगी में, इसलिए उसको कहते हैं गधा। तो अगर आप गधे की तरह ओवर ट्रेड करोगे तो कैसे काम चलेगा गाइस, इसलिए एक गधे की तरह ओवर ट्रेड नहीं करना है, समझ गए? तो ऑलवेज कंट्रोल करो कि यार ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना है, और इसको सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, दिन में 2 ट्रेड लो बस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस और टोटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हुआ तो सही, लॉस हुआ तो सही। उसके बाद क्या करो, जीरोधा का एक वो आता है यार, चलो अलग से वीडियो बना दूंगा, किल स्विच आता है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, जीरोधा किल स्विच का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अकाउंट को 24 घंटे के लिए वो ब्लॉक कर देगा। 2 ट्रेड लो और किल स्विच का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सर्च करना यूट्यूब पे, अदरवाइज मुझे बोलना कमेंट में, मैं डिटेल में बना दूंगा, ठीक है। देखो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाई सोशल मीडिया से दूर रहना प्लीज़, बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं भाई, और वो अपनी जगह सब सही हैं, बट वो सिचुएशन जो वो बता रहे होते हैं, चार्ट एनालिसिस दे रहे होते हैं, क्या आपके लिए सही है, आपकी स्ट्रेटजी में फिट हो रही है, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे, तो वो बंदे सही हैं जो उन्होंने सीखा वो तुम्हें बता रहे, बट यार तुम तो भाई सही हो ना, तुम क्यों फॉलो कर रहे हो? फिर तुम उसको बोलोगे कि यार उसने बताया था मेरा लॉस हो गया, गलती तुम्हारी है यहाँ। सोशल मीडिया से इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान पूरे दिन दूर रहो, जो भी करना है भाई 3 बजे से रात भर करते रहो, बट 9 बजे के बाद मत खोलो, और 9 से 3 दूर रहो, ठीक है। अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझे इस बात को। और अगली सीरीज़ भी आएगी जो 5 और चीज़ें बताऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर, लव यू ऑल गाइज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ये वीडियो, और लाइक करना मत भूलना, थैंक यू।